मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाए, बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाए ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा लाइफस्टाइल में। तो सखियो, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेरी इजी टू हेयर स्टाइल, वेरी इजी टू पफ हेयर स्टाइल। ये हेयर स्टाइल आपके बाल अगर फ्रिजी हो, वेवी हो, कर्ली हो, स्ट्रेट हो, जैसे भी बाल हो, आप सबके बालों पर ये दो इजी हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लगेंगे। और ये आप किसी शादी फंक्शन में इजीली करके जा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टू इजी हेयर स्टाइल्स। पहले हेयर स्टाइल आपको पहले ऐसे मिरर पार्टीशन करना है अपने बालों का, और फिर यहाँ से पीछे से थोड़े बाल लेकर आपको हल्के से बैक कॉम करना है। चाहे तो आप बम्पी भी यूज कर सकते हो, इस तरह से आता है। अगर नहीं करना चाहते तो भी फाइन है। इस तरह से आप अपना पफ तैयार कर लीजिए। अब ये योपिन से पफ तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड से छोटे छोटे सेक्शन लेके हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बालों का सेक्शन लेके ऐसे थोड़ा ट्विस्ट करेंगे और छोटा छोटा सेक्शन ऐसे बालों का लेकर ऐड करते जाएंगे। थोड़ा फूल करेंगे ताकि वॉल्यूम लगे। अब इसे हम बॉबी पिन से सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, मैंने बॉबी पिन से यहाँ पे दो बॉबी पिन लगा लिए। अब सेम हमको इस साइड भी करना है। चाहे तो आप बाल ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर अपने बालों का जुड़ा भी बना सकते हो पीछे से। अगर आपके बाल लंबे हैं तो शायद आपका एक गोल जुड़ा बन जाए, पर अगर आपके बाल मेरे इतने शोल्डर लेंथ हो तो आपको छोटा जुड़ा बनेगा, उतना वॉल्यूमस नहीं बना। तो आपको वॉल्यूमस जुड़ा बनाना है, उसके लिए आप फेंच रोल कर सकते हो। हमको आपको पता है फेंच रोल में हम अपने बालों को ट्विस्ट करते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से करते हैं। अपने बालों को लीजिए इस तरह से पूरा, और फिर इस तरह से इसे ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्ट करना है हमको बालों को, और फिर ट्विस्ट करके हम ये जो भी बाल है उनको इस तरह से, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं आप, एक तो इस तरह से छोटा सा आप क्लिप यूज़ कर सकते हो, ऐसे क्लचर क्लिप इस तरह से। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस जुड़ा। तो ये इस तरह से देखिएगा, तो ये होगी हमारी फर्स्ट हेयर स्टाइल।
अगर आपको क्लचर नहीं लगाना है तो आप सिंपल यू पिंस भी लगा सकते हो, इस तरह से यू पिंस भी आप ऐसे लगा सकते हो, सिकर कर सकते हो यू पिन से भी। इस तरह से आपको यू पिंस भी लगा सकते हो अच्छे से। देखिए अब आप चाहे तो एक्सेसरीज यूज कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पर गजरा भी लगा सकते हो या फिर कोई यू नो चंकी सी कुछ फ्लावर्स टाइप आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गई फर्स्ट हेयर स्टाइल। तो चलिए देखते हैं दूसरी हेयर स्टाइल। तो चलिए देखते हैं अब दूसरी हेयर स्टाइल से पहले मैं अपने बालों को कॉम कर लेती हूँ। इससे अब हमको हमको करना है एक पफ मिडल पर इस तरह से। इस तरह से हमको बालों को थोड़ा ट्विस्ट करके इस तरह से, आप चाहे आपके हिसाब से आप पफ बना सकते हो, आप बड़ा पफ बना सकते हो, आप छोटा पफ बना सकते हो, आपको जैसा पसंद है उस तरह का आप पफ बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर बॉबी पिन से अपना पफ को सिक्योर कर लूँगी दोनों साइड से। तो ये बन गया मेरा पफ। अब हमको यहाँ से थोड़े बाल लेने हैं। अब इस तरह से ट्विस्ट करना है। और ये यहाँ पे एक बॉबी पिन लगानी है। और सेम हमको इससे छोटा सेक्शन लेना है, उसे भी ट्विस्ट करना है। और यहाँ पर बॉबी पिन से फिकर करना है। देखिए कैसे दिख रहा है इस तरह से। और फिर सेम साइड से हमको सेम प्रोसेस करना है। और बॉबी पिन से स्टिकर करना है। सेम साइड से हमको इस ट्विस्ट करके इस तरह से दिखेगा। चाहे तो आप बाल ऐसे खुले भी छोड़ सकते हो या फिर आप अपना जुड़ा भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था जुड़ा, सेम उसी टाइप से आपको करना है। जुड़ा मेसी होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेसी हो तो और भी अच्छा दिखता है। तो बालों को ट्विस्ट करना है इस तरह से, इस तरह से। और ये जो बच्चे बाल है उनको थोड़े अंदर, जो बच्चे बाल है उसको थोड़ा अंदर खींचना है। और फिर आपको एक क्लचर से चाहे तो आप क्लचर से कर सकते हो या फिर आप यू पिन से भी स्वीकर कर सकते हैं। चलिए यू पिन से ही कर लेते हैं इस तरह से। जुड़ी को यू पिन से स्वीकर कर देखिए
तरह से दिखेगा। तो इस तरह से आप ये दोनों भी बहुत ही इजी हेयर स्टाइल आसानी से कर सकते हो। ये आप यू नो फ्रिजी हेयर, जिस दिन आपके फ्रिजी हेयर लगे आप उस दिन ये इस तरह से हेयर स्टाइल आप कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों हेयर स्टाइल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर, कमेंट। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।